मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग वाले टॉपिक के अंदर आज हम जो बेसिक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, पहले हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग है क्या, उसके बाद हम डीमल्टीप्लेक्सिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स की जानिब जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। चलें जनाब मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग जो है ऐसी टेक्निक है जो कि मल्टीपल सिग्नल को एक सिंगल मीडिया के ऊपर डालती है। देखें एक सिस्टम ये लगा हुआ है, एक सिस्टम ये लगा हुआ है, एक सिस्टम ये लगा हुआ है, सही है ना। ये भी अपना सिग्नल जनरेट कर रहा है, अपना डेटा निकाल रहा है, ये भी अपना डेटा भेज रहा है, ये भी अपना डेटा भेज रहा है। इस डेटा ने भी लाहौर, ये समझे, ये तीनों सिस्टम कराची में लगे हुए हैं और ये तीनों सिस्टम लाहौर में लगे हुए हैं। इस सिस्टम के डेटा ने भी लाहौर जाना है, इसने भी लाहौर जाना है, इसने भी लाहौर जाना है। अब कराची से लाहौर तक जो है एक ही लाइन बिछी हुई है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इन तीनों के सिग्नल को लेता है, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ये मल्टीप्लेक्सर की कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितनों को सपोर्ट कर सकता है। जितने भी सिग्नल हैं उन सबको पकड़ता है, ये एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक सिंगल लाइन के ऊपर डालता है, और सिंगल लाइन में डेटा कराची से लाहौर तक ट्रैवल करता है। अदर एंड पर डी मल्टीप्लेक्सर होता है जो कि मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है, वो क्या करता है एक सिंगल लाइन से आने वाले सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में डिवाइड करके मुतालिका सिस्टम को भेज देता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई अदर एंड पे पता कैसे चलता है कौन सा सिग्नल किसके पास जाएगा। तो जनाब इसके लिए हम मुख्तलिफ मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सा सिग्नल कौन से सिस्टम के लिए है। तो मल्टीप्लेक्सर वो डिवाइस होती है जो कि मल्टीपल सिग्नल को इनटू वन सिग्नल में कन्वर्ट करती है, यानी जो मल्टीपल सिग्नल है उसको एक सिग्नल में डाल रही है, तो ये मल्टीप्लेक्सर वाली डिवाइस कहलाएगी। डी मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन ये होती है कि जो वन सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में शिफ्ट कर देती है, तो ये डी मल्टीप्लेक्सर है, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टे होते हैं। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग की अगर हम टाइप की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग सिग्नल की भी की जाती है और डिजिटल सिग्नल की भी की जाती है, क्योंकि सिग्नल आपको पता है दो तरह के होते हैं, या तो एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं, तो दोनों के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग की हमें ज़रूरत होती है। एनालॉग के अंदर जो दो टाइप्स हैं वो कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे एफडीएम आना था, यहाँ पे डब्ल्यूडीएम लिख दिया, यहाँ पे खैर डब्ल्यूडीएम सही है, वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन यहाँ पे एफडीएम आना चाहिए था। अच्छा देखें, और डिजिटल की जो है एक टाइप होती है कौन सी, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब इन सारी टाइप्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले मूव करेंगे एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक की जानिए। अब एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक जो पहली है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, तो चूंकि ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है इसका भी काम वही है कि मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर तीन हैंडसेट हैं, इन तीनों के सिग्नल को ये क्या करती है, ये फ्रीक्वेंसी बेस पे इनको डिवाइड करती है। देखो मैंने आपसे कहा अभी स्टार्टिंग पहली वीडियो के अंदर कि अदर एंड को किस तरह पता चलेगा कि यार ये जो सिग्नल आ रहा है ये कौन से सिस्टम के लिए, तो जनाब यहाँ पे जो ये सिग्नल जा रहा है यहाँ से ही इसके साथ कोई ऐसी शनाख्त लगा दी जाए कि अदर एंड पे पहचान लिया जाए कि भाई ये फलां सिस्टम के लिए। मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे जो टेलीफोन है, अदर एंड पे जो पहले नंबर ये टेलीफोन जो है अदर साइड पे जो पहले नंबर टेलीफोन होगा उसको कॉल मिला रहा है लाहौर के अंदर, सही है ना, तो यहाँ से ये जाएगा तो इसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट कर दिया जाएगा। मॉड्यूलेशन ये होता है कि दो फ्रीक्वेंसी की मिक्सिंग होती है। अगर आपको मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट डीप में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इंशाल्लाह आप मेरी आने वाली वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मॉड्यूलेशन भी बताऊंगा। तो ये मॉड्यूलेट कर दिया था एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ, इस तरह एक नई फ्रीक्वेंसी बनती है। इस सिग्नल को दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है, इस सिग्नल को तीसरी फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेट किया जाता है, तो ये तीनों सिग्नल्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती हैं। इन तीनों फ्रीक्वेंसी को हम एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देते हैं, चूँकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हैं सबकी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अदर एंड पे जब जाएंगे तो अदर एंड पे जो डी मल्टीप्लेक्स, ये तो मल्टीप्लेक्सर है ना जो सबको मॉड्यूलेट करके देखो मिक्स कर रहा है, यानी मल्टीपल लाइन आ रही है उनको एक लाइन में कर रहा है, तो ये मल्टीप्लेक्सर है ये। तो अदर एंड पे डी मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ, वो आइडेंटिफाई कर लेगा भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है कौन से सिग्नल के लिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन से सिग्नल के लिए, तो वो अदर एंड पे वो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा।
तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जो टेक्निक है ये एनालॉग सिग्नल के लिए, एनालॉग टेक्निक है, एनालॉग सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है जो हम दूसरी टेक्निक है एनालॉग के अंदर, वो है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी एनालॉग टेक्निक है, एनालॉग सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ऑप्टिकल सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है। देखें, चाहे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो चाहे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो, दोनों एनालॉग हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए और ये ऑप्टिकल सिग्नल के लिए। ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर जो है, जो इसकी प्रॉपर्टी जिसको ये इस्तेमाल करते हुए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो कहलाती है इसकी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर हम वेवलेंथ को इस्तेमाल करते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल जो लाइट होती है, जो लाइट सिग्नल होता है, वो मल्टीपल लाइट्स का कम्बिनेशन होता है। जिसने आपने वो प्रिज्म वाली बात सुनी होगी कि यार वो जो प्रिज्म होता है उसको अगर लाइट वाइट लाइट डाली जाए तो उसमें 6 7 कलर की डिफरेंट लाइट्स निकलती हैं, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को, मल्टीपल वेवलेंथ के ऑप्टिकल सिग्नल हम लेते हैं, उन तमाम वेवलेंथ को हम एक ही फाइबर के ऊपर ट्रैवल करवाते हुए दूसरे डेस्टिनेशन तक हम पहुँचा देते हैं। यानी ये भी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है, ये भी एनालॉग सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि लाइट जो है एनालॉग सिग्नल है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो शनाख्त के लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, वो कहलाती है वेवलेंथ। तो इसे हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। उसके बाद अगली है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये जो है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है, डिजिटल सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या था कि भाई फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी गई थी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई मुख्तलिफ सिग्नल को एक टाइम स्लॉट असाइन कर दी जाती है। भाई ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा टाइम है। तुमने अपने से टाइम पे सिग्नल भेजना, तुमने अपने से टाइम पे सिग्नल भेजना, तुमने अपने पे, तुमने अपने पे। अब मिसाल के तौर पे पहले वाले के टाइम का, पहले वाले जो सिस्टम है इसका टाइम हो तो ये अपना सिग्नल भेज देगा, दूसरे वाले टाइम आएगा तो ये अपना भेज देगा, तीसरे वाले टाइम आएगा तो ये अपना भेज देगा। इस दौरान में अगर पहले वाले के पास दोबारा सिग्नल आ गया, दोबारा इसने कोई डेटा जनरेट कर दिया, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक इसकी बारी नहीं आएगी। यानी हर सिस्टम को एक टाइम स्लॉट असाइन कर दी जाती है, इसे हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अदर एंड पे डी मल्टीप्लेक्सर को पता होता है कि ये टाइम जो है फलां सिस्टम के लिए, ये टाइम फलां सिस्टम के लिए, टाइम फलां सिस्टम के लिए, तो वो इसको आसानी के साथ आइडेंटिफाई करते हुए अदर एंड पे डिलीवर कर देता है। इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, सॉरी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर या डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। जब हमने E1 T1 लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था, जब हमने PDH का कॉन्सेप्ट देखा, हमने SDH का कॉन्सेप्ट देखा, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल हुई थी। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मजीद दो फर्दर टाइप होती है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या? सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो यही है भाई कि सबको एक टाइम स्लॉट असाइन कर दी जाए। मिसाल के तौर पे इसका टाइम आया, इसने अपना सिग्नल भेज दिया, इसका टाइम आया, इसने अपना सिग्नल भेज दिया। जब तीसरे का टाइम आया ना, तो उसके पास सिग्नल नहीं था, तो इसकी टाइम स्लॉट खाली जाएगी, कोई दूसरा नहीं भेज सकता क्योंकि वो इसके लिए रिजर्व है। तो उसके बाद फिर चौथे का टाइम आया, चौथे का सिग्नल था, इसने भेज दिया। यानी इसमें देखो एक टाइम स्लॉट खाली गई। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन STM यानी सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये करती है, सबको अपनी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देती है। अब वो उस पर भेजे या ना भेजे, खाली भेजना है खाली भेज दे, वो चला जाएगा। एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करती है, ये भी सबको टाइम स्लॉट असाइन करती है, लेकिन ये क्या करती है, अगर कोई टाइम स्लॉट खाली होगी तो वो बोलेगी नहीं, इसको खाली नहीं भेजना, किसी और सिस्टम के पास अगर उस वक्त में दूसरा सिग्नल मौजूद है तो उसको डाल दो इसके अंदर। सही, ये फ़र्क है सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में। दोनों टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, लेकिन जो एसिंक्रोनस है वो किसी टाइम स्लॉट को खाली नहीं जाने देती। वो बोलती है अगर तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे पास सिग्नल नहीं है अभी, तो हम टाइम स्लॉट को खाली नहीं भेजेंगे, बल्कि किसी और के पास अगर एक्स्ट्रा सिग्नल मौजूद है, हम उसको डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा देंगे। ये तीन टेक्निक हमने डिस्कस कर ली। अच्छा देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई देखें दो बेसिकली सिग्नल की टाइप्स होती है, एनालॉग ये हमने ये देख ली, ये देख ली, इसका हमने टाइम डिवीजन देखी, सिंक्रोनस देखी और एसिंक्रोनस देखी। लेकिन एक चौथी किस्म की टेक्निक भी होती है जिसे हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग ना टाइम को इस्तेमाल करती है, ना फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करती है, ना वेवलेंथ को इस्तेमाल करती है। अब टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये सिग्नल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी
उन हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के अंदर, टाइम डिवीज़न के अंदर और वेवलेंथ के अंदर हमने सिग्नल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने उनको आइडेंटिफाई किया था। इसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पे अमेरिका में लोग गोरे होते हैं, अफ्रीका में लोग काले होते हैं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर लोग जो हैं दरमियाने, मतलब गंदमी रंग जो कहलाता है उसमें होते हैं, सही है ना। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने गोरों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनके गोरे रंग से, कालों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनके काले रंग से, इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया हमने उनके गंदमी रंग से, सही है। ये तो इनकी हमने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर हम इन सबको एक साथ किसी एक जगह पर जमा करेंगे तो हम इनको अलग-अलग आराम से कर सकते हैं। कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस नहीं करती, उसके ऊपर काम नहीं करती। इसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू एक कोड असाइन कर दिया जाता है हर सिग्नल को, एक कोड असाइन कर दिया जाता है हर सिग्नल को। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हर सिग्नल के पास एक मखसूस कोड होता है। अब इस सिग्नल के पास जो भी सिग्नल होगा जिसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होगा, उसको अपनी शनाख्त के लिए वो कोड अपने साथ रखना होगा। अब इस सिग्नल के लिए कोई कैद नहीं है कि भाई तुमने मखसूस टाइम में जाना है, इस सिग्नल के लिए कोई कैद नहीं है कि तुमने मखसूस फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करनी है। ये फ्रीक्वेंसी फुल इस्तेमाल करेगा, टाइम ये फुल इस्तेमाल करेगा, बस इसको अपना कोड संभाल कर रखना है। तो ये कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हर सिग्नल को एक कोड असाइन कर दिया जाता है। ये कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह वक्त मिला तो ये CDMA के ऊपर मैं एक पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको मैं कवर करूंगा। अभी सिंपल से अल्फाज में ये समझ लो आप लोग कि कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एक कोड असाइन कर दिया जाता है हर एक सिग्नल को। अब देखो, अब आपने जो बातें सुनी हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल के साथ देखेंगे, यहाँ पे आपको कौन सा समय में आ जाएगा। देखें, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये पहले हमने देखा टाइम, पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग हर सिग्नल को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हर सिस्टम को जिसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी असाइन होती है वो 24 आवर अपनी ट्रांसमिशन कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम मेरा, एक सिस्टम किसी दूसरे का, एक सिस्टम तीसरे बंदे का, हम तीनों ने लाहौर में ट्रांसमिशन करनी है, लाहौर भेजना है, तो मुझे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, मेरे साथ वाले को डिफरेंट मिल गई, मेरे साथ वाले तीसरे बंदे को तीसरी फ्रीक्वेंसी मिल गई, हम तीनों 24 घंटे ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे तीनों क्लैश नहीं आएगा, सही है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। टाइम डिवीज़न के अंदर क्या होता है, मैं पाबंद हो जाऊंगा कि यार मुझे फ़लाँ टाइम पे सिग्नल भेजना है, बराबर वाले को फ़लाँ टाइम पे भेजना है, उसके बराबर वाले को फ़लाँ टाइम पे भेजना है। जबकि कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हमारे पास, हमें फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ भरपूर किस्म की आज़ादी होगी, क्योंकि मेरे पास, मुझे फ्रीक्वेंसी की पाबंदी नहीं होगी कि भाई तुमने खाली इसी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करना है, मैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट कर सकता हूँ, मेरे पास फुल स्पेक्ट्रम मौजूद होगा ट्रांसमिशन के लिए, और मेरे पास फुल टाइम मौजूद होगा, मेरे पास टाइम की स्लॉट की भी कोई कमी नहीं है। हाँ, मुझे सिर्फ अपने कोड का ख्याल रखना है। इसके अंदर जो है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर टाइम की बाउंड्रीज थी, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी की बाउंड्री थी, कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आप फ्रीक्वेंसी की कोई बाउंड्री नहीं है, टाइम की भी कोई बाउंड्री नहीं है। आप 24 आवर आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अपने बैंड में रहते हुए ट्रांसमिट कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या है, वो इसकी एक मखसूस कोड है जो आपको ख्याल रख के इसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। उम्मीद है आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बेसिक से कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, और इंशाल्लाह आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग बहुत ही सिंपल हैं, और अब तक हमने इनको काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। अब आप इंशाल्लाह जब वो वीडियोस देखेंगे तो आपके जहन में जो कुछ सवालात होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल होता है मुझसे बाई मेल रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।